और कभी कभी तो छींटे पड़ जाते हैं, बस यही हाल है। और बारिश ने लिया है एक नया मोड़। ये भीगने से डरता है यार। और अभी यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा बारिश स्टार्ट हो गई है, नींबू पानी जैसा लग रहा है। धमाकेदार बारिश हमारे यहाँ। आपके यहाँ बारिश हो रही है नहीं कमेंट करके बताइए। और मैं अभी एलोवेरा लेने के लिए आई थी क्योंकि मुझे आज एलोवेरा का कुछ स्पेशल ड्रिंक बनाना है, स्पेशली फॉर वेट लॉस एंड बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो हम एक छोटू सा एलोवेरा ले लेते हैं, ज़्यादा तो चाहिए नहीं होगा उसमें। जैसे हमारे पास बहुत सारे एलोवेरा है, देखिए खेती की है हमने एलोवेरा की, तो एक आध ले लेते हैं छोटू वाला। मुझे ना ये निकालने में बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि बेचारे को इस तरीके से तोड़ना मुझे बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है, पर क्या करें जी, आपके फ़ायदे इतने सारे हैं तो आपको लेके जाना पड़ेगा हमें। अभी ना यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है मेरा, यहाँ पे ही रहने का मन है। मज़े मज़े हैं हमारे तो यहाँ पे। अब गौरव भी आ गया है पर वो अंदर बाहर नहीं आ रहा, यहाँ पे आओ मजा आ रहा है। भीग जाओगे तो क्या हुआ, यहाँ छाता है, आ जाओ। ये भीगने से डरता है यार, चलो ना मजा आएगा। गोल कहाँ है? कोई नहीं, हम अकेले ही खेल लेते हैं। ये रहा बॉल। इसे ऐसे छोड़ दिया है 30 मिनट तक, उसके बाद हम बनाने वाले हैं इसका जूस, क्योंकि अगर इसे डायरेक्टली यूज़ किया जाए तो वो जो येलो पॉइजनस पार्ट होता है वो भी आ जाता है और वो हमें नहीं चाहिए, तो इस वजह से हम इसे छोड़ रहे हैं फॉर 30 मिनट। फिर के 3:30 बजे और फिर भी अभी बारिश रुकने का नाम नहीं रह रही है। सुबह जब मैंने शूट किया था, आपको दिखाया था, तब सुबह के 10 बजे थे और तब से अब तक बारिश स्टार्ट ही है। बीच में थोड़ी स्लो हो गई थी पर ख़त्म नहीं हो रही है, तो अभी तो बढ़ गई है। फिर से ऐसा लग रहा है कि नहाने जाना चाहिए, पर अब कितनी बार नहाएंगे। एटलीस्ट 3-4 घंटे मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था, बीच में बारिश इतनी ज़्यादा आ रही थी तो मैंने सोचा कि बारिश ख़त्म होने के बाद शूट करेंगे, पर आज आई थिंक बारिश रुकेगी नहीं तो शूट स्टार्ट कर देते हैं। मैंने इतना सा एलोवेरा इसलिए लिया है क्योंकि मुझे एक ग्लास ही जूस बनाना है। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा ले सकते हैं, तो हमारा फंडा तो ये है जितना चाहिए उतना ही यूज़ कीजिए, इससे भी वेस्ट नहीं कर सकते हम। तो इतना सा ले लिया है क्योंकि मुझे एक ग्लास बनाना है, तो कैसे बनाते हैं क्या बनाता है ये सब प्रोसेस आपको पता चल जाएगी, तो लेट्स गो। देखो अंधेरा, देखो आप इतना अंधेरा हो रहा है आज तो पूरा का पूरा, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश। लेट्स गो। तो अभी हम इसमें एलोवेरा निकाल लेते हैं। एलोवेरा निकल गया है, अभी हमें इसमें डालना है 1 ग्लास पानी। लेट्स ब्लेंड इट। अभी भी प्रोसेस ख़त्म नहीं हुई है, हमें इसमें डालना है 2 टेबलस्पून हनी एंड 1/2 लेमन। Let's test it.
नींबू पानी जैसा लग रहा है। देखो अंधेरा देखो आप, इतना अंधेरा हो रहा है बारिश की वजह से, ये सब बारिश की वजह से। पर हम उसे बुरा नहीं बोल सकते हैं, बहुत बहुत अच्छा है, हो तो रही है एटलीस्ट इतनी अच्छी बारिश। ठंडक हो गई यार, कितने टाइम से ना इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी। वाह आज का दिन ही अमेजिंग है, बारिश को देखते देखते एलोवेरा जूस, रेनी डे विथ एलोवेरा डे। First rush when the school is out, when the booze is up, when the sun is down. एलोवेरा जूस ख़त्म कर लिया है, अमेजिंग था, इनफैक्ट बहुत अच्छा था। अगर आप सिर्फ एलोवेरा और पानी पियेंगे ना मिक्स करके, मतलब ऐसा ही जूस बना के, तो आपसे नहीं पिया जाएगा, ट्रस्ट मी नहीं पिया जाएगा। मैंने ट्राई कर लिया है, नहीं पिया जाता भाई, बहुत कड़वा लगता है। पर इसमें 2 टेबल स्पून हनी और 1/2 लेमन डाल देंगे ना, जो फ्लेवर आता है बॉस, अमेजिंग फ्लेवर आता है और अमेजिंग लगता है। आपको ऐसा लगता ही नहीं कि ये एलोवेरा का जूस है, मज़ा आ जाता है, लेमन वाटर जैसा ही लगता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिए, ये आप रोज़ाना पियेंगे तो इसके इतने सारे फ़ायदे हैं, क्या बताऊँ यार, इसके फ़ायदे का तो लिस्ट है पूरा। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो वो हम रिपीट नहीं करेंगे, तो वो वाला वीडियो देखना है तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बिलो, गो एंड चेक इट आउट। एलोवेरा के इतने सारे बेनिफिट्स, एलोवेरा जूस के स्पेशली। उसमें ना मैंने एक मिस्टेक की थी कि एलोवेरा जूस में ना मैंने वो जो येलो पार्ट निकालना होता है वो जल्दी से नहीं निकाला था, मतलब हड़बड़ी में बनाया था, तो तब मुझे पता नहीं था 2-3 साल पहले। पर इस बार ना मैंने ये सब प्रोसेस आपको दिखाई है ताकि आपको पता चले कि येलो पॉइजनस पार्ट निकालना बहुत ज़रूरी है। एलोवेरा कट करने के बाद 2-3 घंटे से ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर ठीक से वॉश कीजिए, वॉश करने के बाद उसका पल्प निकालिए और फिर उसको ग्राइंड कीजिए और फिर इसका जूस निकालिए और ये अमेजिंग रिजल्ट देता है। काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन हो रहा होगा, यार ये रोज़ रोज़ बनाना पड़ेगा क्या, इसे स्टोर करके नहीं रख सकते? स्टोर करके आप रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, पर जो नेचुरल डायरेक्टली आपको मिलता है सेम डे, और उसका जो सत्व रहता है, तत्व रहता है, उसका हेल्थ बेनिफिट्स जो होता है वो अलग ही होता है। तो आई प्रिफर कि एवरी डे फ्रेश बनाइए और फ्रेश ही पीजिए। अगर आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, 100% वक्त नहीं है, तो बहुत सारे मार्केट में भी मिलते हैं एलोवेरा जूसेस, एलोवेरा के जूसेस बाज़ार में, पतंजलि का भी मिलता है। पर मैं जो प्रिफर करती हूँ वो है 100% नेचुरल यार, जो आपके घर पर उगा रहता है और उससे जो आप जूस बनाते हैं ना, उससे बेहतर और उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। उस पैक्ड जूस में क्या डाला है, किस तरीके से प्रिजर्व किया है, प्रिजर्वेटिव्स डाले हैं, हमें क्या पता क्या डाला है। तो थिंक नेचुरल, बी नेचुरल और घर पे बनाओ करो रोज़ाना। सिर्फ आपके 5 मिनट लगेंगे अगर आपको एलोवेरा का जूस बनाना है, तो सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा कट करके वो जो पल्प है उसे डालना है। अगर आप चाहें तो सुबह उठते ही पहले कट कर लीजिए, 2-3 घंटे ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर 2-3 घंटे बाद सिर्फ आपको पल्प निकाल कर उसमें 2 टेबल स्पून हनी और लेमन डालकर पी लेना है, इतना ईजी है। लोगों ने कमेंट में ये भी पूछा है कि कौन सा बेस्ट एलोवेरा जेल है, तो बेस्ट यही है, यही है, यही है, जी हाँ, जो नेचुरल वाला एलोवेरा है वही बेस्ट है, वही आपके स्किन के लिए बेस्ट है, वही आपके हेयर के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये नेचुरल है। इसमें हमें पता है कि इसमें कुछ भी नेचर ने नहीं मिलाया है। अगर आप बाहर से कोई भी जेल परचेज करते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव होने ही हैं, और इतने टाइम से वो वहाँ पे पैक करके पड़ा हुआ है, कब बना है हमें पता नहीं है, तो क्यों चांस लेना, बाहर से जेल परचेज ही क्यों करना, अगर आप घर पे ये इजीली इस प्लांट को प्लांट कर सकते हैं और उगा सकते हैं। तो हमारे पास तो पूरा खेत है एलोवेरा का, तो हम तो जितने मर्जी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं कभी वेस्ट नहीं करती। आप देख सकते हैं छिलके को भी अभी मैं स्किन पे, हेयर पे अप्लाई कर लूँगी ताकि ये छिलका भी वेस्ट ना हो, ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए तब तक मैं यूज़ कर लूँगी, क्योंकि मैं नेचुरल चीज़ों को ना वेस्ट करने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। नेचर ने इतना ईजिली दिया है तो इसकी कदर करनी चाहिए, क्या कहते हो आप? ऐसा रोज़ वक्त नहीं मिलता, पर जब भी जूस बनाए ना, छिलकों को वेस्ट मत कीजिए, स्किन पे लगा लीजिए। और बारिश ने लिया है एक नया मोड़, धुआंधार बारिश, क्या बोलते हैं, धुआंधार, धोधमार, गुजराती में धोधमार बोलते हैं।
हैं। आज मैंने सिर्फ एलोवेरा जूस ही पिया है, आज मैंने पूरा दिन फास्ट रखा है, तो आज हम खाली फ्रूट खाएंगे और पानी पियेंगे, बस इन दोनों चीज़ों पे फोकस करना है, ज़्यादा कुछ खाना पीना है नहीं। महीने दो महीने में एक बार ऐसा भी करना होता है, बॉडी को डिटॉक्स करना होता है, ये बहुत अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए। तो आज मेरा डिटॉक्स डे है, तो पूरा दिन हम कुछ भी खाएंगे नहीं और खाना नहीं, इसलिए मैं आज जिम भी नहीं गई हूँ, क्योंकि जिम जाने के बाद इतनी हड़बड़ी में भूख लगती है तो कुछ खा नहीं सकते, तो भूख लगती है यार। तो अभी मैं आज जिम नहीं गई हूँ क्योंकि आज मुझे कुछ खाना नहीं था, तो पूरा दिन आज मेरा फास्ट है। फ्रूट्स खाएंगे थोड़े बहुत नहीं, आज पूरा दिन फ्रूट्स ही खाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियेंगे। इन दो चीज़ों पे फोकस है आज, फोकस। आज तो ना पूरा लकी डे था, मतलब इससे पहले, आज से पहले जब भी बारिश होती थी 10-15 मिनट आधा घंटा मैक्सिमम, हमें ऐसा लगता था यार बारिश हुई और देखने ऐसे निकल जाते थे। आज तो पूरा दिन बारिश हुई है, मतलब आज इतना लकी डे है, पूरा दिन आज हमें ये नज़ारा देखने को मिला है। वैसे जनरली मिलता नहीं है, रोज़ाना एक घंटा मैक्स हो जाए बारिश तो भी हमें लगता है आज एक घंटा बारिश हुई, होती ही नहीं है, और कभी कभी तो छींटे पड़ जाते हैं, बस यही हाल है। पर आज भगवान ने काफ़ी मेहरबानी दिखाई है। एंजॉइंग माई फ्रूट्स, आपने एंजॉय किया है। आज पूरा दिन एलोवेरा एलोवेरा ही था, क्योंकि आज मेरे पास और कुछ था ही नहीं करने को। मैंने आज फ्रूट्स खाए, एलोवेरा का जूस पिया, मज़े किए, बस जिम भी नहीं किया, कोई डाइट भी फॉलो नहीं किया, आज डिटॉक्स डे था यार। और अभी आपको लग रहा होगा यहाँ पे आवाज़ बहुत गूंजती है मेरे रूम के बाहर ना, आवाज़ ऐसे गूंजती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, आई होप आपने एंजॉय किया है। अगर मज़ा आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। और अगर आपके कोई भी सुझाव है, आप कुछ भी कहना चाहते हैं, कोई भी सजेशंस देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स है ही, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डू फॉलो, वहाँ पे भी मैं एक्टिव हूँ। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही अमेजिंग व्लॉग्स में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे ब्राइट विद #livingbright।